नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत का खाना, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। सामा के चावल से बनाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद अच्छी तरह से बना पाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आप बना लेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं बनाने। और यदि मेरी वीडियो जरा सा भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। व्रत वाला खाना बनाने के लिए देखिए, मैंने लिया है यहाँ पर सामा का चावल। तो इस तरह से आते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं। देखिए ये ऐसे मिलेट्स के तौर पे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसे मैंने एक कटोरी लिया है, करीब आधी कप। तो इसे मैंने धो लिया है अच्छी तरह से, इसे बढ़िया से धो लीजिएगा। और धोने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए, आपके पास समय है तो 2 घंटे छोड़ दीजिएगा, वरना 1 घंटे में भी फूल जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बहुत कम ही पानी डाल करके पीसना है, नहीं तो क्या होगा, ये चारों तरफ घूमते रह जाएंगे और पीसेंगे नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। तो देखिए 1 चम्मच के करीब इसमें पानी होगा, भीगा हुआ होगा, तो 1/4 चम्मच और डाल सकते हैं। तो देखिए 1/4 चम्मच इसमें पानी था जो दिख रहा होगा, और इतने में पीस जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पीसता है तो 1/2 चम्मच और डाल सकते हैं। तो इसे पीस लेंगे बारीक। तो देखिए अच्छे से पीस गए हैं, फूले हुए भी थे, और थोड़ा सा कम पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से पीस जाएंगे। जो पानी इसमें था उसी से मैंने पीस लिया है, अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, नॉनस्टिक पैन लिया है। नॉनस्टिक पैन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसी जो घोल है इसी पैन में डाल देंगे। तो थोड़ी सी पानी जार में डालकर मैंने चला दिया था, और इसे भी डाल देंगे। बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। और देखिए 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो इसे चलाते हुए बिल्कुल डो की तरह कर लेंगे। देखिए नॉन स्टिक में आप बनाएंगे तो बिल्कुल अभी चिपकेगा नहीं, और देखिए अच्छी तरह से ये डो की तरह हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी से ये पकने लग जाते हैं। इसे लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना हो। देखिए सारा डो अभी इकट्ठा होने लग गया है। ये बिल्कुल डो की तरह हो गए हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए ढक करके रखेंगे इसे, ताकि ऊपर से पपड़ी जैसा ना बने। देखिए बिल्कुल डो की तरह हो गए हैं, तो अब गैस बंद कर देते हैं। तो अब इसे ढक करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। मैंने एक कटोरी में निकाला है। जब तक डो हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बना लेंगे कुछ उसके लिए फिलिंग। तो देखिए ये 2 उबले हुए आलू मेरे पास हैं, तो इन आलुओं को ग्रेट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, और डाल देंगे तीखा के लिए हरी मिर्च डाल देंगे। यदि आप जो चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में वो चीज़ आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं वही चीज़ डाल रही हूँ जो खाते हैं। आपके तरफ क्या क्या नहीं खाते हैं वो भी बताइएगा, और स्किप कर दीजिएगा जो नहीं खाना है। थोड़ी फ्रेश वाली हरी धनिया पत्ती डाल देंगे, 1/2 इंच का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ है अदरक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है जो कि कूटा हुआ है, पाउडर बिल्कुल नहीं है। स्वादानुसार डाल देंगे सेंधा नमक, व्रत में जो नमक खाते हैं वही डाल रही हूँ। तो अब इन सबको मिक्स कर देंगे। इसमें चाहे तो आप कुछ सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, पर वो सब्जियाँ हैं ना जो पानी छोड़ देंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सब्जियाँ नहीं डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मसाला बन जाता है, इससे कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, इससे और भी ज़्यादा चटपटा टेस्ट आएगा। और इन्हें मिक्स कर देंगे। तो देखिए फिलिंग तैयार है। तो देखिए आटा हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम एक बार फिर से मिला लेंगे अच्छी तरह से। और देखिए बहुत गीला भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो अच्छे से मिला करके इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बन गया है। तो इसे छोटा छोटा सा पेड़ा बना देंगे।
देखिए जो नींबू का आकार का होता है ना पूड़ी जो बनाते हैं, बस उतनी उतनी इसी बना देंगे। तो देखिए एक लोई लिया है, इसे अच्छी तरह से गोल करके पेड़ा बना लेंगे चिकना सा। और देखिए हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए यदि चिपकता है, और इस तरह से हाथों से पहले थोड़ा सा फैला दीजिए। और देखिए बेलन में भी मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, और इस तरह से हल्का सा मैं दूध की जो थैली होती है ना उसको रख के बेल रही हूँ ताकि चिपके नहीं। देखिए छोटे छोटे से बेल लेंगे पूड़ी की तरह, गोल गोल बने, इसलिए देखिए एक मैंने कटोरी लिया है, इसे इस तरह से कट कर देंगे। और ये जो है इसे डो जो रखा हुआ है उसी में मिक्स कर देंगे। देखिए बेलने के बाद यहाँ पर जो फिलिंग बनाई थी ये रख देंगे इसके ऊपर। पूड़ी भी छोटी सी है तो फिलिंग भी एक चम्मच लिया है भर के, और इसे इस तरह से कर देंगे, और इसे हाथ उंगलियों से इस तरह से दबा देंगे। पैक हो गई है, हल्का सा यहाँ से खुला भी रहेगा तो कोई बात नहीं, इसे फ्राई व्राई नहीं करनी है, बहुत कम तेल में बनाने वाले हैं। तो देखिए इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे। तो देखिए सारे पीस मैंने बना लिए हैं, अब इसे चलते हैं गैस की तरफ लेकर। मैंने यहाँ पर एक स्टीमर तैयार कर दिया है, देखिए जाली वाली रख दी है और प्लेट, और नीचे कढ़ाई में पानी रख दिया है, पानी अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अब इसके ऊपर एक एक करके रख देंगे इस तरह से ताकि अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो इसे ढक देंगे, 7 से 8 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये आटे भी पके हुए हैं और इसका आलू भी पका हुआ है। बस अच्छे से स्टीम होने देंगे, टाइट कर दिया है इसे, ढक दिया अच्छी तरह से। और देखिए 3 पीस हमारा और बच गया है, तो इसे बाद में करेंगे। तो देखिए मेरे पास सिर्फ 1 चम्मच फिलिंग बची है, आधा कप से बनाया था मैंने श्यामा का चावल जो था, आधा कप था। आपके तरफ श्यामा का चावल को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो साथ में खाने के लिए मैं एक स्वादिष्ट चटनी बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी मिर्च, काफी तीखा है तो आप जितना तीखा खाते हैं उसके अनुसार इसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ मूंगफली है जो रोस्टेड है, रोस्टेड मूंगफली को मैंने क्रश कर लिया है और ये ले रही हूँ। ये मैं डाल बना करके रख लेती हूँ, कभी चटनी बनानी हो या किसी सब्जी वगैरह में डालना हो, फिलिंग वगैरह में डालना हो तो इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये मैं 2-3 चम्मच ले रही हूँ। स्वादानुसार व्रत वाली नमक डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ी सी पानी, जितना पानी डालेंगे कि अच्छे से पीस जाए। अब इसे ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। थोड़ा सा पीसने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच, आपके पास ताजा नारियल है तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है। आप मूंगफली के दाने मैंने जो डाले थे क्रश किया हुआ, उसी समय आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमारा तैयार हो गया है ये। तो देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, अभी काफी गर्म होंगे तो मैं इसे निकालती हूँ। देखिए काफी आसानी से ये निकल रहे हैं, देखिए निकाल निकाल करके किसी प्लेट में रख लीजिए इसे। बाकी के जो बचे पीस थे उसे भी इसी तरह से सेक लेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है फिर से, और 1 चम्मच घी डाल देंगे इसमें, एक छोटी चम्मच घी डाल रही हूँ। तो देखिए घी गर्म हो गए हैं तो इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, हल्का सा, जब देखिए जीरा तड़क जाए तो इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे और जो चटनी बनाया है ना उसके ऊपर डाल देंगे। देखिए देखिए एक एक पीस मैं डाल रही हूँ इसमें, और हल्का सा सेक लेंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे। आप बिना सेके भी खा सकते हैं, ऐसे भी काफी अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें फिलिंग डली हुई है। अब इसके ऊपर हल्का सा काली मिर्च का जो कूटा हुआ था वो स्प्रिंकल कर देंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। 1 पिंच नमक स्प्रिंकल कर देंगे, इसे ज्यादा नहीं पकाना है, इसे बस अलट पलट कर देंगे ये हो जाएगा। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा करी पत्ता डाल रही हूँ, आप चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। मीडियम लो
चूल्हों पे मैंने इसे पकाया है। और ये देखिए तैयार हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए व्रत वाला कितना अच्छा टेस्टी खाना बन करके तैयार हो गया ना। इस तरह से बना सकते हैं और घर में सभी को खिला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।